जो आर्ट आप देख रहे हो इट्स इनबिल्ट, तो गॉड गिफ्ट भी कह सकते हैं. तो ये मेरे अंदर बचपन से ही था. आई यूज़ टू ड्रॉ, आई यूज़ टू डूडल थिंग्स. जब भी मेरा एग्ज़ाम होता था तो मेरा जो स्टडी डेस्क होता था उस पर मैं बनाती रहती थी यूजुअली थिंग्स, और जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी, आप पढ़ते हो या ये चीज़ें करते हो, या मेरे पजामाज ये फ़नी लगेगा आपको सुनने में, पजामाज में मेरी यूजुअली आई ड्राइंग्स बना के होती थी. मैं बहुत डूडलिंग करती थी, लेकिन ये अंदर से था मुझे, तो इट वॉज इन योर. स्कूल में कभी ड्राइंग कॉम्पिटिशन होते थे तो आई स्टूड फर्स्ट सेकेंड, तो ये आ ही जाता था विदाउट प्रैक्टिस. एंड लेटर आई रियलाइज व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम IIT, तो वहाँ पे हमें IUST में एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन का कुछ था, तो उन्होंने बोला यू शुड पार्टिसिपेट. तो जब हम वहाँ गए, नूरान इवेंट वॉज नूरान, सो दे गेव अस 20 मिनट्स. तो बोला 20 मिनट्स में आपको कुछ बनाना है, एंड द थीम वॉज नूर. तो अलिम से बढ़ के नूर कुछ हो ही नहीं सकता है. तो मैंने कुछ वैसा बना दिया, मैंने एक सन बना दिया, सन में एक आई बना दी, और उसकी लाइट जो थी एक बुक ओपन थी तो उस पर. एंड वहाँ पे आई वॉज नॉट नोइंग कि मुझे कोई मेरिट होल्डर होंगी वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे 3rd prize मिला. दैट वॉज माई बूस्ट इनर हैप्पीनेस जो होती है ना, पीस. क्योंकि मेरे लिए सक्सेस से बड़ा, मतलब अगर कोई बोलता है ना सक्सेस वी सी इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, तो मेरे लिए पीस जो है ना दैट इज़ द मेजर सक्सेस फॉर मी. क्योंकि जब इंसान को सुकून मिलता है तो उससे बड़ी कामयाबी कोई चीज़ होती है. कैनवस का कॉन्सेप्ट मैं मतलब कुछ ही 1-2 साल से ही कर रही हूँ. ड्यू टू टर्मोइल हमें घर में बैठने का मौका मिला, और मेरे अंदर बहुत सारे कुछ फीलिंग्स होते हैं आर्टिस्ट के पास, मतलब जो आप बोल नहीं सकते हो, इट्स अ लैंग्वेज यू नो, जो आप मतलब जिसमें शोर शराबा नहीं है बट इट स्पीक्स इटसेल्फ. तो उस टाइम मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, बना रही थी मैं. अल्लाह का शुक्र भी है इसमें, और फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए. मेरे अबू मतलब मुझे बहुत एडमायर करते हैं इस चीज़ के लिए. इनफैक्ट वो मुझे सजेशंस करते हैं, वो चीज़ करो, ये चीज़ करो. अब इसकी ओन चाह, मतलब अपनी चाहत है ये इस पेंटिंग में जाने के लिए, तो अभी इसने शुरू किया है, वो भी कर रही है. मेरी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. चैलेंज होता है, बट अब ये है कि मुझे इससे सुकून मिलता है तो मेरे लिए टाइम निकल जाता है इस चीज़ के लिए. स्कॉलरशिप मिलती है किसी बच्चे को कि वो अच्छा पढ़ता है तो इसको आगे जाने का मौका दिया जाता है. तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मतलब ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए, प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो ये छोड़े ना, बीच में ही ये छोड़े ना. क्योंकि बहुत सारों के अंदर बहुत सारे कमाल के मास्टर पीसेस निकल आ सकते हैं. कश्मीर में एक चीज़ देखती थी, फॉलो द क्राउड. इसने मेडिकल ले लिया, सो शी इज़ अ जीनियस. अब इसने आर्ट्स ले लिया, शी इज़ लेस जीनियस. यानी इस बेस पे यहाँ पे हमारा ये स्टिग्मा है कि हम कंपेयर करते हैं कि इस बच्ची ने 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ऑप किया, उस बेस पे उसकी इंटेलिजेंस जज की जाती है. यहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, बिकॉज बच्चों को भी लगता है शायद अगर मैं मेडिकल ना लूँ, नॉन मेड ना लूँ, मुझे शायद घर वाले समझे ये पढ़ाई में कमज़ोर है. तो मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था, ऑल्दो आई वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस, बट फिर क्या हुआ, जो CET वी यूज्ड टू गेट CET दैट टाइम, तो CET में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. एंड देन आई ऑप्टेड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एंड बैचलर्स ही मैंने उसी में से किया, और फिर मास्टर्स भी मेरा कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही हो गया. तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मेरे दिमाग में पहले ही होता कि आई हैव टू डू दीज थिंग्स, तो मैं यहाँ पर नहीं होती, मे बी मैं आगे होती. बट अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना भी है मेरा खुद से ही है. सी आई नेवर कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट, मेरे पास डिग्री नहीं है आर्टिस्ट की. आप आए मुझे एज एन आर्टिस्ट मिलने, सो दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी. इस साल का मैं बताऊंगी, इस साल आई हैव मेड ओनली 5 paintings, और मेरा एक फ्रेंचाइज के साथ ये हो गया था असाइनमेंट. कॉफ़ी शॉप है बेसिकली लाल चौक, वो भी स्टार्ट नहीं हुआ है. वहाँ पर मैंने वॉल आर्ट्स किए हैं, और मैंने वहाँ पे एक बड़ी सी पेंटिंग बनाई है, मेरे अबाउट 8 feet. जब कोई आपको फोर्सिबली बोलेगा ये करना है, वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं होती है. आर्ट इज समथिंग, इट शुड बी फ्री. मेरी पेंटिंग्स में ज़्यादा नेचर रिफ्लेक्ट होता है, तो आई लव नेचर बेसिकली. तो नेचर में क्या होता है, यू फाइंड पीस. And when there is a peace, there is solitude, आपको inner feelings, inner happiness मिल जाती है आपको उस चीज़ से. आपको खुश रहना है या आपको दुखी रहना है, it's all in the mind. And positivity मतलब इंसान के अंदर होनी ही होनी चाहिए, और art की वजह से मेरे अंदर बहुत positivity आई है.
एक्चुअली आई गिफ्टेड माय फादर-इन-लॉ पेंटिंग रिसेंटली एंड आई वाज सो हैप्पी. तो उनके चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी मतलब वो किसी गिफ्ट से कम नहीं थी. एंड दे एडमायर माय वर्क और उनको रिसेंटली पता चला कि मैं आर्ट बनाती हूँ. और जब वो यहाँ आए ये इसी रूम में बैठे थे एंड दे सॉ दिस पेंटिंग एंड दे वर लाइक ये उनको लगा शायद नहीं बनाई होगी. एंड फिर मैंने उनको जो गिफ्ट की ना एंड मेरी मदर ना बोलती है जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं उस पेंटिंग की तरफ देखती हूँ. दे आर वेरी सपोर्टिव. इनफैक्ट जो मेरे वुड भी हस्बैंड है वो भी बहुत सपोर्टिव है. इनफैक्ट वो बोलते हैं मुझे आप आर्ट में ही आगे जाओ.